नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, जो दुल्हन हाथों में वरमाला लिए दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, अब उन्हीं हाथों में हथकड़ी डालने की तैयारियां होने लगी थी। पुलिस वालों ने सारे के सारे लड़की वालों को घेर लिया। ये मामला है पटियाला के देवीगढ़ कस्बे का, जहाँ एक दुल्हन ने अपने ही पति और घर वालों के साथ मिलकर ऐसा गुल खिलाया कि कुछ ही देर के लिए तो पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये तो दुल्हन ही 420 है, यानी एक ऐसी दुल्हन जो भोले भाले नौजवानों और उनके घर वालों को शादी के झांसे में फंसा कर ना सिर्फ उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल देती थी, बल्कि अब तो उनकी ज़िंदगी पर भी खतरा बन चुकी थी। और तीन बच्चों की ये माँ दुल्हन वो सब कुछ करती थी खुद अपने पति की मदद से, जिसे दुनिया के सामने उसने अपना भाई बना रखा था। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पटियाला की रहने वाली इस लड़की और उसके घर वालों ने फर्जी शादी को अपना हथियार बनाया हुआ था, जिससे लूट की घटना को अंजाम देते थे, और वो भी बहुत शातिर तरीके से। लड़की और उसके घर के लोग सबसे पहले ऐसे लड़कों की तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती थी। फिर ये अपनी पहचान बदलकर किसी के ज़रिए से उस परिवार के संपर्क में आते थे और उन्हें शादी का प्रस्ताव देते थे। इस दौरान ये पूरा का पूरा गैंग, जिसमें दुल्हन का पति, दुल्हन की माँ और दूसरे बिचौलिया शामिल थे, दुल्हन के अलग अलग रिश्तेदार के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस करते और शादी की बात आगे बढ़ाते थे। इस दौरान ये गैंग एक तीर से दो शिकार करता था। पहला तो ये कि खुद को शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ होने की बात ये कहकर अपना इम्प्रेशन जमाते थे, और दूसरा इसी इम्प्रेशन की बदौलत वो शादी में ना तो ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटाने और रिश्तेदारों को बुलाने से भी मना करते, और यहाँ तक कि फोटोग्राफ तक कराने के लिए मना कर देते थे। चूँकि इस गैंग के ज़्यादातर शिकार ज़्यादा उम्र के लड़के, तलाकशुदा या फिर विदुर किस्म के लोग होते थे, वो भी ऐसी शादियों को लो प्रोफाइल ही रखने की कोशिश करते थे, और इस तरह फर्जी दुल्हन और उसके घर वाले आराम से शादी की औपचारिकता पूरी करवा लेते और किसी को भी पता नहीं चलता था। इसके बाद शादी के 3-4 दिन गुजरते गुजरते ही दुल्हन अपनी असलियत पर आ जाती थी। उसे जब जिस ससुराल से जैसे भी मौका मिलता, वो वहाँ से रुपये, पैसे और गहने जैसी कीमती चीज़ें लेकर फरार हो जाती थी। जहाँ से चुपके से निकलना और भागना उसके लिए नामुमकिन या मुश्किल साबित होता था, वहाँ ये दुल्हन किसी न किसी बहाने से अपने नए नवेले पति या फिर ससुराल वालों से भिड़ जाती, और फिर लड़ाई और झगड़े का बहाना बनाकर अपना बोर या बिस्तर समेट कर फरार हो जाती थी। चूँकि भागने की उसकी तैयारी पहले से ही होती थी, तो वो ससुराल की सारी कीमती चीज़ें पहले ही बटोर चुकी होती थी, और किसी को उसकी साजिश का आखिरी वक्त तक पता भी नहीं चलता था। लेकिन स्टोरी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब दूल्हा पक्ष के लोग अपनी बहू को मनाने या फिर उसे उसके मायके से वापस लाने के लिए जाते थे। अक्सर होता ये था कि बताए गए पते पर दुल्हन और उसके घर वाले तो छोड़िए, कोई उन्हें पहचानने वाला भी नहीं मिलता था, और ठगी का शिकार होने वाले दूल्हे और उनके घर वाले अपना सिर धुनने लगते। उन्हें समझ में नहीं आता था कि जिस दुल्हन के साथ उन्होंने इतनी सादगी और नेकदिली से शादी की थी, वो लोग इतने बड़े धोखेबाज भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस दुल्हन 420 की कहानी शायद कभी बाहर नहीं आती, अगर इस दुल्हन का शिकार बना एक लड़का उसकी करतूतों पर नज़र ना रख रहा होता। दरअसल हुआ यूं कि इस दुल्हन और उसके घर वालों ने इस तरह अब तक 8 लड़कों को अपनी ठगी का शिकार बनाया था, यानी इन्होंने 8 लड़कों से फर्जी शादी की और फिर मौका मिलते ही उन्हें लूट कर फरार हो गई। लेकिन इस बार जब ये अपने 9वें शिकार को फंसाने की कोशिश कर रही थी तो भांडा फूट गया। हुआ यूं कि इस बार शादी पटियाला के जुल्का इलाके में हो रही थी। यहाँ देवीगढ़ गुरुद्वारे में शादी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, बस फेरे होने वाले थे। तभी दुल्हन का पहले ही शिकार बन चुके एक लड़के ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और दुल्हन और उसके गैंग के बारे में पूरी जानकारी दे दी। और इसी के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस ने ना सिर्फ शादी रुकवा दी बल्कि दुल्हन समेत उसके गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अब तक तो इस जालसाज दुल्हन का शिकार बने लोग अपने रुपये पैसों को रो रहे थे, लेकिन उन्हें तब एक जोर का झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाने वाली लड़की तो असल में HIV पॉजिटिव थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, HIV पॉजिटिव यानी HIV प्लस थी, जिससे आने वाले वक्त में एड्स जैसी घातक बीमारी हो सकती थी। असल में पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद जालसाज दुल्हन की मेडिकल जांच करवाई तो उसकी ब्लड रिपोर्ट देखकर पुलिस भी सकते में आ गई। वो लड़की HIV का शिकार हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने उस दुल्हन की ठगी का शिकार बने सभी के सभी दूल्हों को HIV की जांच करवाने की सलाह दे दी है। और इसी के साथ इस गैंग से लूटने वाले लोग और उनके घर वाले फिलहाल खुद को बड़ी मुसीबत में घिरा पा रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह के पास से जो दूल्हे से लूटे गए रुपये पैसे और बेशकीमती जेवरातों के साथ साथ तीन तीन चार चार अलग नाम के पहचान और पते वाले आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिसकी मदद से ये जो गैंग है पूरा ठगी किया करता था। अब पुलिस ने अपने ही पति को भाई बनाकर लोगों को ठगने वाली इस तीन बच्चों की माँ को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गैंग का शिकार बने लोग अब भी अपनी किस्मत के दोहरे धोखे को रो रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में रुपए पैसे लूटने के साथ साथ लोगों को HIV मुफ्त बांटने वाली ये दुल्हन ने बेशक हर किसी को चौंका दिया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि शादी के नाम पर लूटने और ठगने वाले गिरोहों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। दुल्हनों की बात तो छोड़िए, यहाँ ऐसे भी दूल्हे होते हैं जो लड़की और उनके घर वालों को शादी के नाम पर लूट लेते हैं। और दोस्तों, Time24 न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार, भाई या बेटे या बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो पहले दूसरे पक्ष का अच्छे से जांच परख कर लीजिए, उसके बाद रिश्ते को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जन्म जन्म का साथ है, कोई मजाक बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।